और आप जान लीजिए अपराध के मामले में क्या बुरा हाल था, कितने सामूहिक नरसंहार हो रहे थे, कितने लोगों का अपहरण हो रहा था। शाम होते कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। और साहब आप जान लीजिए अपराध के मामले में अब कुछ लोग तो बायां दायां गड़बड़ करने वाला आदमी रहता ही है, ये आदमी का स्वभाव है, कितना भी कोशिश करिए कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अपराध के मामले में जो नियंत्रण हुआ केंद्र सरकार के द्वारा, हर साल हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं, जो सबसे हाल में आंकड़ा प्रकाशित हुआ और उसके हिसाब से आप जान लीजिए इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य, अब बिहार का नंबर अपराध के मामले में देश में 23वें नंबर पर चला गया है। तो हम लोगों ने तो काम किया, आप समझ लीजिए अब कौन क्या बोल रहा है कि इतना को हम नौकरी लगाएंगे तो क्या करेंगे, सब तो बोगस बात है, वो सब तो यूं ही बोलने की आदत है, कुछ से कुछ बोलना है, लोगों को गुमराह करना, भ्रमित करना। लेकिन जरा बता दीजिए 15 साल लोगों को काम करने का मौका मिला, क्या बजट था 2005 का भी बजट देख लीजिए, 5-6 का तो बजट 24,000 करोड़ रुपए से भी कम का था, और हम लोगों ने धीरे धीरे जो काम बढ़ाया, अब बिहार सरकार का, बिहार का बजट 2,11,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। तो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों ने कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों को सेवा का अवसर दिया, 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरी। और इन लोगों ने क्या दिया था भाई 15 साल में, ये आज बात करते हैं, जरा जान लीजिए 15 साल राज करते रहे ये लोग, और 10 साल 1990 से लेकर 2000 तक बिहार और झारखंड एक था, वो सब को मिला करके यानी 10 साल बिहार झारखंड को एक मान के, और 5 साल जब बिहार अलग हुआ, ये पूरा का पूरा 15 साल में सब जगह मिला करके, बिहार झारखंड मिला करके, और बिहार में इन्होंने कितने लोगों को नौकरी का अवसर दिया, 95,000 लोगों को मौका दिया, ये जान लीजिए। और बजट का क्या हाल था, विकास का पैसा नहीं खर्च कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, और किस कारण से अंदर गए थे, तो ये सब जान लीजिए कि इन लोगों के पास कुछ है नहीं। और हम लोगों ने जो आपको बता दिया, अब जो वृद्धि का दर हुआ है राज्य सकल घरेलू उत्पाद, उसके आधार पर जो हम लोगों को काम करने का मौका मिला, उस समय तक बिहार का कुल सकल घरेलू उत्पाद था 76,466 करोड़ रुपया मात्र, और अब बढ़ते बढ़ते अब हो गया 4,14,977 करोड़।